आज होली है दिस मींस इसका मतलब है यह जानना कि जीवन मूल रूप से एक उल्लास से भरी प्रक्रिया है लेकिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्स एक्सपीरियंस चूंकि लोगों ने यह नहीं सीखा कि अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल कैसे किया जाए हमारी दो मूलभूत क्षमताएं यादाश्त और कल्पना जिन चीजों को भूल जाना चाहिए लोग उन्हें याद रखते हैं और जिन चीजों को याद रखना चाहिए उन्हें वो भूल जाते हैं वो ऐसी कई चीजों की कल्पनाएं करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और किसी ऐसी चीज की कल्पना नहीं कर पाते जो उनके जीवन को सुंदर बना सकती है तो होली जो लोग होली के बारे में नहीं जानते इस दिन देश भर में लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं वो खुद को रंगों में भिगो लेते हैं दिस इज लोग सिर से पांव तक अलग अलग रंगों में रंगे होते हैं जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन का मूल तत्व उल्लास है और लोग इतने गंभीर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम उन चीजों को याद रखते हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए और ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो नहीं करनी चाहिए होली ऑल्सो मींस होली का एक और अर्थ है अपने जीवन की सभी गैर जरूरी चीजों को जला देना डे इस दिन लोग सभी पुराने कपड़े और आस पड़ोस के बच्चों के खिलौने ये जोखिम भरा काम है वो सभी चीजें जिनकी जरूरत नहीं होती उन्हें इकट्ठा करके सड़क पर ढेर लगाते हैं और जला देते हैं यह पुराने कपड़ों को जलाने के बारे में नहीं है इसका मतलब है पिछले एक साल की यादों को जलाना ताकि आज से आप एक नया जीवन बन सके जो उल्लास से भरा है तो आज वही दिन है और आप सब मुझे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं दिस इज अ टाइम इन इंडिया भारत में यह समय है वसंत का आखिरी समय है जब फूलों के खिलने का दूसरा दौर आता है मगर दुर्भाग्य से इस साल जबरदस्त सूखे के कारण पिछले छह सात सालों में पहली बार पहाड़ भूरे दिख रहे हैं पच्चीस साल पहले वो भूरे दिखते थे फिर हमने इस पहाड़ पर कई सारे पौधे लगाए मगर पिछले छह सात आठ सालों में यह कभी भूरा नहीं दिखा हमेशा हरा भरा रहा है इस साल ये भूरा दिख रहा है क्योंकि करीब पांच महीनों से बारिश नहीं हुई है मगर खासतौर पर जब पौधों में फूल नहीं आ रहे तब इंसान को इसमें कुछ मदद करनी चाहिए हेलो पोषण की कमी के कारण पौधों में फूल नहीं खिल रहे आप तो कुपोषित नहीं लगते आपको इसकी भरपाई करनी चाहिए अगर सूखे के कारण पौधों में फूल नहीं खिल रहे तो आपको अपनी मुस्कुराहट खुशी और उल्लास से उसकी भरपाई करनी चाहिए क्योंकि जब प्रकृति हार जाती है तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए हेलो बहुत से लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वो हर वक्त खुद को भाषण देते रहते हैं लेक्चर सत्संग में बैठकर भी वो हमेशा मेरी बात नहीं सुनते वो भाषण का एक पैरेलल कार्यक्रम चला रहे हैं <laughs> दिन हो या रात किसी भी समय एक रात ऐसा हुआ शंकरन पिल्ल घर जा रहा था अरे वो घर जा रहा था टू ए एम सुबह के दो बजे और वो सीधा भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि यह कम्बक्त धरती गोल है इस पर सीधे कैसे चला जाए तो वो थोड़ा लड़खड़ा रहा था रात में गश्त लगा रहा है पुलिस वाले ने उसे रोक कर कहा क्यों भाई तुम तो सीधे भी नहीं चल पा रहे इतनी रात कहां जा रहे हो शंकरन पिल्लई ने कहा मैं एक भाषण सुनने जा रहा हूं पुलिस वाला बोला अरे सुबह दो बजे कौन भाषण दे रहा है शंकरन पिल्लई ने कहा आप मेरी बीवी को नहीं जानते मैं चाहे किसी भी समय लौटू मुझे भाषण मिल जाता है आप में से कई लोगों की पत्नी या पति नहीं है मगर फिर भी आप हर समय भाषण में डूबे रहते हैं सेल्फ हेल्प इसी को कहते हैं जस्ट टू स्टॉप दिस हर समय अपनी खुद की बकवास में डूबे रहने की आदत को बंद करना ज्यादातर लोगों को असंभव लगता है इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने विचारों से पहचान बनाना बंद नहीं किया है अगर आपने उससे अपनी पहचान जोड़ ली है तो आप उसे रोक नहीं सकते उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है आपको बस उससे अपनी पहचान खत्म करनी है क्योंकि आपके विचारों की सामग्री बाहर से आती है है ना आपके विचारों की सामग्री आपकी अपनी नहीं है यह उधारी का माल है अगर आप बस देखें कि ये मेरा नहीं है आपको बस इतना ही करना है आपको उसे छोड़ना नहीं है आप अगर देख लें मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो असल में मेरा नहीं है फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा आप उससे अपनी पहचान इस कदर जोड़ लेते हैं कि यह आपका है और आपको लगता है कि वो एक स्मार्ट विचार है लेकिन यह मूर्खता है हर किसी को वो मूर्ख लगता है लेकिन आपको वो स्मार्ट लगता है चाहे वो आपका जीवन तहस नहस कर दे फिर भी आपको वो स्मार्ट लगता है चाहे वो आपको एक जगह न बैठने दे बहुत आनंद नहीं तो कम से कम शांति तो मिले पर फिर भी आपको लगता है कि यह स्मार्ट है अगर आप यह भी नहीं जानते कि सहज होकर कैसे रहें, तो इसे आप स्मार्ट नहीं कह सकते है ना हेलो आप सहजता से जीना भी नहीं जानते इसे आप स्मार्ट कैसे कह सकते हैं इसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है यह जीने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका है बट लेकिन आप उसमें इतने रमे हुए हैं कि उसे छोड़ नहीं सकते होली आज होली है पुराने को जला डालने का समय है और बारिश की कमी के कारण वसंत का मौसम दिख नहीं रहा इसलिए मैं आश्रम में अगले तीन दिन आपको देखने वाला हूं मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे रहते हैं यू आर जीवंतता के अलग अलग स्तर होते हैं यस yes. जीवंतता के अलग अलग स्तर होते हैं yes. वसंत का मौसम है होली है हम चाहते हैं कि आप भरपूर जीवंतता के साथ यहां बैठे हेलो मैंने यह नहीं कहा कि शोरगुल होना चाहिए भरपूर जीवंतता होनी चाहिए इस साल फूल नहीं है आपको उसकी भरपाई करनी है क्योंकि आपके पास यही एक चीज है जीवंतता Aliveness. बाकी सारी चीजें आपके दिमाग की बकवास है yes, sir, no. The... आपके पास बस यही एक चीज है बाकी सब आपकी बकवास है इसे आपको पूरी तरह सक्रिय रखना चाहिए नहीं 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 सदगुरु मैं इसे बचा कर रखना चाहता हूं wow. <laughs> क्योंकि मैंने पहले ही एक स्टील का ताबूत बनवा लिया है मुझे वहां लंबे समय तक रहना है मेरे पास कुछ बचा होना चाहिए ऐसा एक बार हुआ वाकई ऐसा हुआ सुबह दो बजे सरकारी वकील ने जज के घर फोन किया घर के नौकर ने कहा मैं उन्हें नहीं जगा सकता सुबह के दो बज रहे हैं वो बोला नहीं ये बहुत जरूरी है तुम्हें जगाना ही पड़ेगा फिर नौकर ने फोन कनेक्ट कर दिया बेडरूम में फोन की घंटी बजी और जज ने फोन उठाकर कहा कौन है मिस्टर जस्टिस जस्टिस ग्रोवर अभी अभी गुजर गए और मैं उनकी जगह लेना चाहता हूं जज ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर दाह संस्कार करने वाला मान जाए <laughs> आप ऐसे जीना चाहते हैं जैसे आप आधे कब्र में हैं हेलो बगीचे में फूल नहीं है आपको भरपाई करनी चाहिए अगले तीन दिन मैं आप पर नजर रखूंगा कि कैसे वसंत में बाहर आती है ठीक है <laughs>